हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष गुप्ता। आज के व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे जयपुर के मस्ट विजिट फूड प्लेसेस। जयपुर आ रहे हैं, देन यू मस्ट ट्राई दिस फेमस डिशेस फ्रॉम जयपुर। इस वीडियो में मैं आपको अपने फूड एक्सपीरियंस के साथ साथ यहाँ की लोकेशंस, टाइमिंग, प्राइसिंग एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वीडियो में, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को कर दें फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि अगली आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना करें। तो गाइस, शुरुआत करते हैं व्लॉग की गर्मा गर्म चाय से। सो उसके लिए मैं आ गया हूँ गुलाब जी चाय वाले पे, जो कि काफी फेमस है पूरे जयपुर में। इस समय मैं खड़ा हूँ MI रोड पर गणपति प्लाजा के पास, एंड यहीं पर आपको बोर्ड दिख जाएगा गुलाब जी की चाय शॉप का। मैं जितने दिन जयपुर में रुका था, हर दिन मैंने यहाँ की चाय से ही अपनी शुरुआत की थी दिन की। एंड आई कैन से दिस इज द मस्ट विजिट प्लेस इन जयपुर फॉर ऑल द टी लवर्स। ये जो स्टॉल देख रहे हैं ना, यही गुलाब जी की ऑफिशियल टपरी थी पहले, एंड यहीं पर सामने आपको काफी भीड़ देखने को मिलेगी। एंड इन्हीं का अब यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी बन चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना, तो आप अंदर रेस्टोरेंट में भी बैठ सकते हैं। इसके प्राइस का डिफरेंस देखें तो 5 रुपये का डिफरेंस मिलता है आपको बाहर से। अगर आप लोग बाहर बैठते तो 25 की पड़ेगी, एंड अंदर बैठेंगे तो 30 की पड़ेगी चाय। सो ये फर्क है। तो चलिए चलते हैं अंदर और लेते हैं गुलाब जी की चाय का एक्सपीरियंस। यहाँ पिंक कलर की ड्रेस पहन के रखी है, जो कि मेरी ड्रेस बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ पे ले ली मैंने। फिलहाल अंदर चल के बहुत शोर आ रहा था, सो मैंने ऑर्डर कर ली थी यहाँ पे गुलाब जी की चाय, बन मस्का एंड बन समोसा। बन समोसा एक यूनिक कॉन्सेप्ट लगा मेरे को, एंड मैंने सुना तो बहुत है इसके बारे में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत सुना हुआ है, बट ट्राई पहली बार कर रहा था मैं। बन मक्खन में बटर मेल्टेड नहीं था, जो कि मेरे को पर्सनली काफी अच्छा लगता है। क्या आपको बन मक्खन में बटर मेल्टेड पसंद है या फिर नॉन मेल्टेड, नीचे कमेंट से बताइएगा। लेट्स सी कि किसको किसको लाइक नॉन मेल्टेड पसंद है। मेरी तरह चाय जो है वो काफ़ी टेस्टी थी, एंड एक पूरा प्रॉपर बैलेंस था पानी और दूध का। मेरे को स्पेशली मेरे को दूध वाली चाय पसंद आती है काफ़ी, बट यहाँ पे जो मैंने ट्राई की वो भी काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इसमें लौंग एंड इलायची का फ्लेवर था, जो कि काफ़ी चाय को अच्छा फ्लेवरफुल बना रहा था। नाउ लेट्स ट्राई देयर बन मक्खन। बन मक्खन को चाय में डुबा कर जो टेस्ट आता है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है, लाइक वो अलग ही टेस्ट रहता है। सो ओवरऑल जो समोसे की कोटिंग थी यहाँ पर वो काफ़ी थिन थी, एंड जो स्टफिंग है उसमें मैश्ड आलू एंड मसालों की, वो काफ़ी अच्छा फ्लेवर दे रहा था पूरे समोसे को। बन समोसा वैसा लग रहा था बिल्कुल कि लाइक देसी बर्गर टाइप का लग रहा था, कि अंदर क्रिस्पी भी लग रहा था, देन आलू की फिलिंग है, वो पूरा एक ऐसा लग रहा था कि देसी बर्गर में खा रहा हूँ। तो गाइस, चाय का टेस्ट बताऊँ तो चाय बहुत अच्छी थी। एक बार यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं जयपुर, तो चाय जरूर ट्राई करिएगा यहाँ की। यहाँ की चाय का जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। तो गाइस, आ चुका हूँ सुबह मैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है रावत मिष्ठान भंडार। ये फेमस है अपने कचौड़ीज के लिए, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं और ट्राई करते हैं। रावत मिष्ठान भंडार फेमस है अपने राजस्थान की फेमस प्याज कचौड़ी के लिए, तो चलिए देखते हैं ऑर्डर करके कैसी है ये प्याज कचौड़ी। ये रहा मेन्यू, यहाँ का देख सकते हैं कितना छोटा सा, हैरान ना हो ये का, ये बहुत बड़ा मेन्यू है देख सकते हैं आप। ये इतना ज़्यादा वैरायटी ऑफ आइटम्स यहाँ मिल रहा है, छोटा सा मेन्यू फोल्ड करके देते हैं बट है काफ़ी कुछ यहाँ पे। तो भाई जैसे मैं ले ली मैंने यहाँ पे प्याज कचौड़ी, जो कि यहाँ की काफ़ी फेमस डिश है, उसके साथ और भी सारी कचौड़ी आती हैं वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ली है प्याज कचौड़ी। यहाँ पूरे जयपुर में ये प्याज कचौड़ी काफ़ी फेमस है, देख सकते हैं मेरे को पेपर से उठाना पड़ा है, काफ़ी गर्म है, बाहर से काफ़ी क्रिस्पी और अंदर से पूरा सॉफ्ट। और तो सब देखने को चटनी कोई नहीं मिलेगी, इसको बोलते हैं ऐसे ही खाया जाता है, तो देखते हैं ट्राई करते हैं कैसा है। सबसे पहले जो पिंच भी है वो है मेरे को हींग का टेस्ट, हींग का काफ़ी इंटेंस फ्लेवर आ रहा है। जो इसकी सब्जी अंदर पड़ी वो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, काफ़ी क्रिस्पी, काफ़ी गर्म गर्म यहाँ पे सर्व किया जाता है, एंड ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ये पूरी बोल सकते हैं क्रिस्प थी और अंदर से सॉफ्ट था, एंड जो मसालों का फ्लेवर आ रहा था वो वाकई में ही लाजवाब था। तो गाइस, मैंने खा ली रावत मिष्ठान भंडार की कचौड़ी, प्याज तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा हैवी थी और काफ़ी टेस्टी थी। चलिए चलते फिर नेक्स्ट लोकेशन पे। तो देख सकते पीछे मैं आ गया हूँ लस्सी वाला पे, यहाँ पे आप यहाँ की जो लस्सी वो काफ़ी फेमस है पूरे जयपुर में, देख सकते दूर दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ से केवल लस्सी पीने, और 9 बज रहे हैं इस समय सुबह को, और यहाँ पे इस समय दुकान भी खुल चुकी है और ये पहले से ही खुली रखी है, देख सकते आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड है यहाँ पे देख सकते 3-4 लस्सी वाले आपको देखने को मिलेंगे, उसमें जो ओरिजिनल वाला है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। मैप पे भी आप डालेंगे तो लस्सी वाला ओरिजिनल करके नाम से आ जाता है, तो वो है लस्सी वाला ओरिजिनल जहाँ पे बूढ़े अंकल बैठे हैं। चलिए चलते हैं यहाँ पे लस्सी वाले का एक्सपीरियंस लेने।
तो आ चुके हैं हम लोग इसमें लस्सी वाले पे। यहाँ पे लस्सी दे सकते हैं, मलाई मार की लस्सी मिली है, जिस तरह की मलाई रहेगी कंसिस्टेंट, और जो दूध है वो काफ़ी थिक है, इसलिए ट्राई करते हैं। मलाई काफ़ी थिक है, लस्सी इतनी अच्छी लगी थी मेरे को कि एक बार और ग्लास ले लेता लस्सी का। एक बार मैं ट्राई करते हैं मलाई। तो गाइस जैसा कि देखा लस्सी अभी मैंने पिया, लस्सी का टेस्ट बता, तो लस्सी का टेस्ट ऑसम था, बिल्कुल अच्छा लाजवाब, और जो मलाई थी वो भी काफ़ी थिक थी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ टैटूज कैफे में, ये हवा महल के बिल्कुल सामने पड़ता है, और यहाँ से व्यू और नज़ारा काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। सो यहाँ मैंने ऑर्डर कर लिया कोल्ड कॉफी एंड एंजॉय करते हैं, सैंडविच कर दिए जो कि आने वाला आ गया। थैंक यू। सो गाइस ये है क्लब सैंडविच और साथ में लिया मैंने ये कोल्ड कॉफी, चलिए देखते हैं कैसा सैंडविच। यहाँ पर बात है नज़ारे की, नज़ारा देख सकते हैं पीछे काफ़ी अच्छा है। सैंडविच का भी टेस्ट देख लेते हैं, ये रही चटनी। यहाँ पर शाम को आप आकर यहाँ का व्यू के साथ एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ का फूड भी, इनके पिज्ज़ा भी अच्छे होते हैं। क्लब सैंडविच में काफ़ी सारी वेजिटेबल्स थी विद लॉट ऑफ चीज़। आई लव द क्लब सैंडविच एंड कोल्ड कॉफ़ी बोथ। ओके सो गाइस ये रहा सैंडविच देखा, तो तीन लेयर का को सैंडविच मिलेगा और डिसेंट तो सैंडविच है, ऊपर चीज़ छिड़की हुई है और अंदर चीज़ स्लाइस भी है, साथ में वेजिटेबल भी। सो ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा है, सही है। सो ओवरऑल सैंडविच की बात करूँ तो काफ़ी टेस्टी है, जो चीज़ का फ्लेवर है वो काफ़ी इंटेंस है और अच्छा भी लग रहा है। कोल्ड कॉफी इज़ ऑल्सो गुड। शाम के समय देख सकते हैं यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट भी चल रहा है इधर। एंड गाइस जो यहाँ का टैटू कैफे का टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक। सो गाइस क्लब सैंडविच एंड कोल्ड कॉफी दोनों ही टेस्ट बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है, एंड नज़ारा तो देख ही सकते हैं पीछे कितना अच्छा लग रहा है। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लोकेशन पे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ सरदार जी लस्सी एंड कचौड़ी वाले पे। ये जो है काफ़ी फेमस है अपने बादाम शेक के लिए फेमस है, जिसमें वो रबड़ी मिला के देते हैं, और फेमस है अपने रबड़ी कुल्फी फालूदा के लिए। तो चलिए यहाँ पे ट्राई करते हैं रबड़ी कुल्फी फालूदा और बताते हैं आपको कैसा है यहाँ का टेस्ट। इसकी लोकेशन की बात करें तो बापू बाजार से आप आगे बढ़ेंगे नेहरू बाजार की तरफ, तभी आपको ये मिलेगी लोकेशन। चलिए ट्राई करते हैं रबड़ी कुल्फी फालूदा और यहाँ पे ट्राई करते हैं बादाम शेक यहाँ का। यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिया रबड़ी कुल्फी फालूदा और साथ में लिया बादाम शेक, इसमें रबड़ी ऐड होकर मिलती है, चलिए देखते हैं कैसा रहता है। ओके सो गाइस यहाँ पे आ चुका है, ये रही हमारा बादाम शेक, देख सकते हैं पूरा इसमें रबड़ी पूरी इन्होंने मिला के रखी है, ये रबड़ी है साथ में कस्टर्ड पाउडर है, साथ में कस्टर्ड पाउडर और ये लस्सी है, ये लाइक बादाम शेक है। तो ट्राई करते हैं एक बार, पूरा रबड़ी का टेस्ट आ रहा है बिल्कुल, कस्टर्ड पाउडर रबड़ी बादाम खूब सारे पड़े हुए हैं पीसेस में, बादाम पड़े हुए हैं सब पूरे, देख सकते हैं पीसेस पड़े हुए हैं, और साथ में लिया है यहाँ पे ये रही हमारी रबड़ी फालूदा कुल्फी, ये पूरी पिंक पिंक है, उसमें चिया सीड डाल के रखकर मैं दिखाता हूँ, ये पूरे ब्लैक ब्लैक है, वो चिया सीड है, मैं चिया सीड डाले हुए हैं इसमें, साथ में पिंक पिंक है शायद रुआबजा है, एंड देन ये रबड़ी है ऊपर में बादाम डाल के रखे हुए हैं, चलिए ट्राई करते हैं। ये रही एक टेस्ट देखते हैं, अजब है कुल्फी का टेस्ट है, काफ़ी नेचुरल, काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा, और रुआबजा का जो टेस्ट है उसको और ही इनहेंस कर रहा है। सो गाइस मैंने यहाँ पे ट्राई तो दोनों चीज़ें की, बट मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ की कुल्फी, कुल्फी वाकई में बहुत ही अच्छी थी एंड उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था। सो गाइस इसमें मैं आ चुका हूँ मसाला चौक, जैसे कि पीछे देख सकते हैं बोर्ड लगा है, यहाँ पे एंट्री के लिए आपको 10 रुपये देने पड़ते हैं, एंड अंदर मल्टीपल कुजिन्स, एक अंदर मल्टीपल आपको रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे देखने को, जहाँ आप एंजॉय कर सकते हैं अपना डिनर या फिर ब्रेकफास्ट, बट उसके लिए आपको 10 रुपये देने पड़ेंगे पीछे, जो कि यहीं पर एंट्री पर लगता है। इसकी लोकेशन की बात करूँ तो ये रहा पीछे अल्बर्ट म्यूजियम, पीछे अल्बर्ट म्यूजियम है और उसी के पास यहाँ पे पड़ता है ये हमारा मसाला चौक। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो इतने सारे यहाँ पे स्टॉल देख रखे हैं,
क्योंकि जैसे देख सकते कि पीछे खूब सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। अभी मैं देख के आया था यहाँ छोले भटूरे, डोसा, पाव भाजी, जितने भी स्ट्रीट फूड आपको देखने को मिलेंगे वो सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। अगर आप लोग कोई वन प्लेस चाहिए जहाँ पे आप सारे स्ट्रीट फूड ट्राई कर सकते और अपना एक टाइम इन्जॉय कर सकते तो आप मसाला चौक आ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देखता हूँ और कुछ चीज़ें लेके आपको दिखाता हूँ। मन तो था बहुत कुछ यहाँ पे ट्राई करने का, एंड सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया गोलगप्पों से। यहाँ पे सूजी एंड आटा दोनों तरह के गोलगप्पे थे, सो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली थी एंड टेस्ट वॉज गुड। मेरे को इतना ज्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, बट जो टेस्ट था वो काफी अच्छा था। नेक्स्ट यहाँ के फेमस मूंग दाल चिल्ला ट्राई किए मैंने, एंड इसकी मेकिंग आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से इसको बनाया जाता है। एक होता है नॉर्मल चिल्ला जो घर पे हम लोग बनाते हैं, एंड यहाँ पे ये जो बनाते हैं इसको, इसमें प्याज, टमाटर, पनीर ये सब पूरा लगा कर इसको बनाया था चिल्ला। एंड काफ़ी सारी चटनीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है इसके साथ दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चटनीज हैं, साथ में दही है, एंड साथ में ये जो दही के साथ एक और चीज़ देख रहे हैं ये है मिक्स ऑफ चटनीज। इसमें चटनीज मिक्स है और साथ में दही भी मिक्स है। तो चलिए ट्राई करते हैं यहाँ का मूंग दाल चिल्ला। टेस्ट काफ़ी अच्छा, नॉट बैड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा, पर अच्छा है। लहसुन की चटनी साथ ट्राई करता हूँ एक बार, लहसुन का काफ़ी इंटेंस फ्लेवर है। चटनी लहसुन का फ्लेवर अगर आपको पसंद हो तो ये लाल वाली चटनी लहसुन वाली है, ये काफ़ी पसंद आएगी। चलिए ट्राई करते हैं ये लाल वाली चटनी और चूरन जो है। थोड़ा मीठा मीठा है, ये कुछ दाल है, दाल के लिए कुछ है, अलग से दाल एक टाइप की देख रखी है, ये है दाल। फिर इसे ट्राई करते हैं, चना मटर की सब्जी टाइप की है जो कि इसके साथ चलता है, ओवरऑल टेस्ट सही है। चलिए मैं इंजॉय करता हूँ। ओके सर गाइस, यहाँ पे मैंने ट्राई किया है बतासे ट्राई किए हैं, यहाँ पे मैंने चिल्ला ट्राई किया है, छोले भटूरे ट्राई किया है, बट उन सब में से मेरे को बेस्ट जो लगा है वो है चिल्ला, जिसका मैंने आपको वीडियो दिखाया। बाकी सब भी खाए बट ओवरऑल उनका टेस्ट नॉर्मल था, एवरेज था, बट जो चिल्ला था वो काफ़ी अच्छा था इसलिए मैंने आपको दिखाया। बाकी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पे आप जरूर ट्राई करेंगे, यहाँ का जो चिल्ला मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, टेस्टी है। साथ में यहाँ पे जलेबी भी काफ़ी फेमस है। इस समय रात हो चुकी है तो इस समय मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं दिन में या फिर शाम को आ रहे हैं तो यहाँ पे जलेबी भी ट्राई कर सकते हैं और यहाँ का चिल्ला जरूर ट्राई करिएगा। बाकी यहाँ पे अरेंजमेंट बताऊँ तो अरेंजमेंट आपको बिल्कुल देखने लगेगा जैसे मॉल में फूड कोर्ट होता है, वैसे सेम यहाँ पे फूड कोर्ट देके रखा हुआ है। 10 रुपये की एंट्री चार्ज है, बट यहाँ पे आपको कूलर देखने को मिलेगा, साफ सफाई जो वो भी अगर कोई जा रहा है तो साफ सफाई होती रहती है, तो 10 रुपये बजट है अंदर आने का और क्लीनिंगनेस का और जितना भी अरेंजमेंट है। सो अगर जयपुर आ रहे तो दिस शुड बी योर मस्ट विजिट प्लेस टू ईट, सो दैट इज मसाला चौक। सो गाइस, इसी के साथ खत्म होता है जयपुर का ये पहला फूड व्लॉग। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें मैं जयपुर का फेमस पनीर घेवर एंड टपरी रेस्टोरेंट को कवर करेंगे। व्लॉग्स में अभी बैकग्राउंड नॉइस के कारण काफी वॉइस ओवर करना पड़ता है, मुझे पता है इस बारे में, एंड आई एम ट्राइंग टू बाय अ न्यू माइक्रोफोन। सो तब तक के लिए बेयर करिए एंड प्यार बरसाइए वीडियो पर। मिलता हूँ आपको अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग।